नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस साइंस लेक्चर स्टैंडर्ड 8। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी आर ऑन टॉपिक प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द वीड्स, हाउ वी कैन यूटिलाइज द वीडिसाइड्स, दैट इज आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन द प्रीवियस लेक्चर। इन टूडेज लेक्चर वी we'll discuss about harvesting or cutting of the crops after they fully grown, and the after that storage of the crops. The crucial task of harvesting and storage is discussed in this lecture. Okay, after the completion of lecture you all are able to know how to harvest the crops, what are the mature time period for growing of the crops, and then after how to store the crops, right? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हार्वेस्टिंग से। हार्वेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ हार्वेस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग, ये आप यहाँ से पूछा जाए तो एक या तो दो मार्क में लिख सकते हो। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एक बार क्रॉप मैच्योर हो जाए यानी कि फुल्ली ग्रो, उसका पूर्णतम विकास हो जाए, उसके बाद उसकी कटाई जो की जाती है उसे क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब हार्वेस्टिंग के अंदर क्रॉप को पूरा रूट्स में से निकाल दिया जाता है या तो उसे ग्राउंड से यानी कि जमीन के थोड़े ऊपर से कट किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 मंथ्स फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप यानी कि धान्य जितने हैं, गेहूं, बाजरा, मकई, ज्वार और चावल, ये सारे क्रॉप्स जो है इसको ग्रो होने में 3 से लेकर 4 महीने तक लग सकते हैं फुल्ली। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। सो द मशीन यूटिलाइज फॉर कटिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टर। सिकल यानी कि पावड़ी गुजराती में आने कहवाए कि जो छोटे खेतों वाले किसान है वो इसका इस्तेमाल क्रॉप्स को कट करने में करते हैं, मैन्युअली अपने हाथों से उसकी कटाई करते हैं। ये तब इस्तेमाल की जाती है जब फसल काफ़ी कम हो और फार्म का एरिया भी काफ़ी कम हो, तभी फिजिकली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तभी मशीन इट इज़ क्वाइट कॉस्टली फॉर्म ऑफ कटिंग। चलिए आइए देखते हैं आगे। In the harvested crop, the grain seed need to be separated from the chaff. कुछ मालूम चला, यहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की थी। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated. यानी कि जो उसका दाना होता है ग्रेन का यानी कि धान्य का, उसको chaff से यानी कि उसकी जो छाल होती है उससे उसको अलग करना पड़ता है। गेहूँ में भी होती है, बाजरे के अंदर भी होती है, कुछ कुछ जगह पे चावल के अंदर भी ये होती है, तो इसको सीड से अलग करना बहुत ज़रूरी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो एक प्रोसेस हो गई हार्वेस्टिंग, मतलब फसल की कटाई करना, और उसके बाद हो जाती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है बीज को छाल से अलग करना। ओके, दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये जो आपको यहाँ पे कैट का मशीन दिख रहा है, ये वाला, ये मशीन कंबाइन मशीन है कि जिसके अंदर हार्वेस्टिंग भी होती जाती है और थ्रेशिंग भी होता जाता है, जिसका मतलब कटाई और दाने भी अलग इसके अंदर डायरेक्टली होते जाते हैं। समझ में आया? चलिए पहली कुछ कह रही है, चलिए देखते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्नड बाय फार्मर्स। पहेल इज वरिड, she knows that it causes pollution, it may also catch fire and damage the crops lying in the fields. पहली कह रही है, after harvesting, मतलब कटाई करने के बाद जो stubs यानी कि जो ऊपर के डूंडे जिसको कहे जाते हैं, जमीन के नज़दीक की कटाई करके जो roots और थोड़े बहुत भाग बच जाता है plants का, उसको बाहर निकाल के फिर उसको जलाया जाता है farmers के द्वारा। पहली बहुत चिंता कर रही है कि वो जानती है कि इससे
प्रदूषण होता है, वातावरण के अंदर काफ़ी प्रदूषण होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। ये फायर जो है, ये आग जो है, वो दूसरे क्रॉप को भी नुकसान पहुंचा सकती है कि जो फार्म के अंदर उगे हुए हैं। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। छोटे फार्म जिसके पास है और छोटी फसल जो उगाते हैं, जो भी किसान है, वो शाफ को अलग करने के लिए विनोइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि जिसमें से ग्रेन सीड और शाफ दोनों को अलग किया जाता है। आई थिंक आपने सिक्स स्टैंडर्ड में इसे पढ़ लिया होगा डिटेल में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन fills the heart of farmers with joy and sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with a great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Navanya and Bihu. जैसा कि हमें मालूम है कि भारत 80% खेती के ऊपर आधारित देश है, तो यहाँ के किसान जिन्होंने 3 से लेकर 4 महीने तक कड़ी मेहनत की होती है, उन किसानों 3 से 4 मंथ बाद जो अपनी सुनहरी फसल खेतों में उगी हुई देखते हैं, तो उसके दिल जो है वो खुशियों से भर जाते हैं, क्योंकि फसल अभी उग गई है, उसे बाजार में ले जा के बेचेंगे और जो थोड़े बहुत पैसे उससे मिल जाते हैं, उससे घर में खुशियाँ लाते हैं। तो जो ये सीज़न होती है हार्वेस्टिंग की, ये सीज़न ऑफ जॉय कहा जाता है, क्योंकि कड़ी मेहनत करने वाला किसान अपने फल को देखता है सामने, सुनहरा फल, और उससे देखकर मन ही मन बहुत ही खुश होता है। इसीलिए ये हार्वेस्टिंग का जब भी कटाई का समय होता है, तभी ही कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, बैसाखी, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। ये सारे फेस्टिवल्स हार्वेस्टिंग के बाद मनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरेज की ओर। स्टोरेज कैसे किया जाता है? कटाई हो गई, अभी सपोज किसी के खेत छोटे हैं तो वो घर में ही उसे स्टोर करके रख सकते हैं, और किसी के खेत बड़े हैं, बड़े यानी कि बहुत बड़े, कि जो कॉमर्शियल बेसिस के ऊपर क्रॉप्स को उगाते हैं, तो वहाँ तो बड़ी बड़ी ज़मीनें होते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें होती है, और उसमें से उगने वाले क्रॉप भी बहुत ज़्यादा उसकी तादाद होती है। तो देर इज़ अनदर प्रस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, स्टोरेज, कैसे उसको संग्रह करें। चलिए आइए देखते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द क्रॉप ग्रीन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे बड़ा खतरा ये फसल जो है, फसल की क्वालिटी के ऊपर ही उसके दाम होते हैं। अगर एटमोस्फेयरिक मॉइस्चर की वजह से या तो इंसेक्ट्स रेट्स की वजह से फसल को वो खा जाए या तो ख़राब कर दे, तो उसके प्राइसेस मिलते नहीं हैं, सही दाम नहीं मिलते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द फार्मर्स। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। जो ताज़े क्रॉप्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी नमी होती है, उसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसलिए फ्रेशली जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं उसको ड्राई करके ही हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसे चांसेस है कि वो ख़राब हो जाए या तो कोई ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर अटैक कर दे, यानी कि हमले का खतरा है। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। इसलिए फसल की कटाई करने के बाद उसे सुखाया जाता है सूरज की गर्मी के नीचे, और उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई। अलग अलग ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इससे ये रक्षा करते हैं इसकी। पहली कुछ कह रही है, चलिए देख लेते हैं। आई शो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। पहली ये उसे क्यूरियोसिटी हो रही है, कहे तो,
कि उसकी मम्मी जो है जहाँ पे गेहूँ भरे हुए हैं जो आयरन के कंटेनर में, उसके अंदर नीम के पत्ते डाल रही है। ऐसा क्यों कर रही है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। जो किसान है वो फसल को शन की जो थैलियाँ होती है, जूट बैग्स जिसे कहा जाता है, जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है, दिस इज आर दी दिस आर दी जूट बैग्स जिसके अंदर भरा जाता है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे और दाना सूखा रहे, या तो मेटालिक यानी कि मेटालिक कंटेनर होते हैं कि जिसके अंदर इसे स्टोर किया जाता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स। सिलोस और ग्रेनरीज, यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटेनर दिख रहे हैं। ये 8 कंटेनर क्या है, ये गेहूं को भरने के लिए बड़े बड़े मेटालिक बीन्स हैं कि जिसके अंदर गेहूं को भरा जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय खाद्य निगम, FCI के गोडाउन्स होते हैं कि जहाँ पे गेहूं को स्टोर करके रखा जाता है, और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सस्ता अनाजनी दुकान आपने कही है ना, त्यां अनाजनु स्टोरेज अहीं थाय छे। सो फॉर दैट पर्पज दे आर स्टोरिंग इट इन नो मेटालिक बीन्स और इट इज कॉल्ड सिलोस। इसको क्या कहा जाता है, सिलोस। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। हमारे यहाँ पे सूखे नीम के पत्ते जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए घर पे रखे जाते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लार्ज क्वांटिटी में यानी कि बड़ी तादाद में अगर हमें जो ग्रेन्स है यानी कि धान्य है उसको स्टोर करके रखना है तो बड़े बड़े गोडाउन और उसके अंदर स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज स्टोरिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्टोरेज कैसे कर सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, फूड फ्रॉम एनिमल्स, प्राणियों से मिलने वाले खुराक कौन कौन से हैं। पहले तो यहाँ पे टेबल देखेंगे, ये जो टेबल है उसके अंदर सोर्स लिखा गया है कि सोर्स कौन सा है, मतलब स्रोत कि जिसमें से हमें फूड मिलता हो। पहला है मिल्क यानी कि दूध, काऊ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल यानी कि ऊंट, बकरी, गाय, भैंस, इसमें से हमें जो फूड मिलता है वो कौन सा है, मिल्क। तो वैसे ही दूसरे सोर्स कौन से हैं फूड के जो एनिमल में से मिलते हैं, किसी को आइडिया है? सिंपल, फिश में से फिश मीट मिलता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि समुद्र किनारे के लोग जो है वो ज़्यादातर राइस एंड फिश खाते हैं अपने स्टेपल फूड यानी कि मुख्य खुराक के तौर पे। तो फिश है उसमें से फिश मीट मिलता है जो कि फूड का रिसोर्स है। सो इन दैट वे यू कैन कंप्लीट दी टेबल। देखते हैं चलिए, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। मेजरली जो समंदर किनारे लोग रहते हैं उसका डाइट यानी कि खाने की चीज़ों में फिश का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने प्लांट्स में से किस तरीके से खुराक मिलती है उसके बारे में हमने देखा। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, शोइंग एक्सेट्रा। हमने ये भी देखा कि प्लांट में से हमें क्रॉप मिलने के लिए कितनी मेहनत और कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, सिमिलरली प्राणियों में से भी ऐसे प्रोसेस करके हम फूड ले सकते हैं, या तो घर में या तो उसके फार्म के अंदर भी। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। बिकॉज वी आर डीलिंग विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू प्रोवाइड देम शेल्टर, अ प्रॉपर फूड एंड केयर, देखभाल, उसको रहने की जगह और खाना अच्छी तरीके से मिले ताकि हम उसमें से गुड क्वालिटी ऑफ फूड ऑब्टेन कर सके। ये प्राइमरी नीड है एनिमल रियरिंग के अंदर यानी कि प्राणियों को पालने के लिए। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री।
लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पे अगर ये चीज़ फॉलो की जाए तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। पहली कुछ कह रही है, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो रहा है। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी, खास करके अस्थमा के दर्दियों के लिए भी जो मछली का तेल है वो बहुत ही फायदेकारक होता है और इसका कॉमर्शियल काफ़ी यूटिलाइजेशन भी होता है तेल बनाने के लिए, बिकॉज विच इज़ इट इज़ रिच इन विटामिन डी। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा इस चैप्टर के अंदर। लंबा चैप्टर था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये चैप्टर, मुझे ये पूरा फार्म आपको सबको दिखा के करना था लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन जब भी स्कूल्स रीओपन होंगे उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकल के तौर पे चैप्टर को करेंगे एक्टिविटी के पार्ट में, ठीक है। चलिए, तब तक थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।